एक व्यक्ति जो कि अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान रहता था, एक ऋषि के पास जाता है जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। व्यक्ति ऋषि को प्रणाम करता है और कहता है, मुनिवर, मैं अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरी आंखों की ज्योति दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। मुझे चीजें धुंधली दिखाई पड़ने लगी हैं। कई बार तो मेरी आंखों में असहनी जलन और दर्द होता है और बहुत ज्यादा आंसू भी निकलते हैं। संक्षिप्त में कहूँ तो मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ने लगी हैं। कृपया आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताएं जिससे मैं अपनी आंखों की रोशनी को पुनः प्राप्त कर सकूं और आंखों के इन सभी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। ऋषि ने व्यक्ति की सभी समस्याओं को पूरे ध्यान से सुना और फिर कहा, हमारे आयुर्वेद में आंखों के इलाज से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा गया है जिसका नाम है चक्षु उपनिषद। इसके अलावा भी महर्षि बागभट्ट जैसे कई आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने आंखों के इलाज से संबंधित कई नियम बताए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नियमों के बारे में आज मैं तुम्हें बताऊंगा। इन नियमों का पालन करने से सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर तुम अपनी आंखों की रोशनी में एक आश्चर्यचकित कर देने वाला परिवर्तन देखोगे और अगर तुम लंबे समय तक इन नियमों का पालन करते हो तो तुम्हारे आंखों की सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी आंखें हमेशा स्वस्थ व दृष्टिपूर्ण बनी रहेगी। आंखों के उपचार के लिए आयुर्वेद का पहला नियम है, सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए अपने मुंह की लार को आंखों में लगाना। तुम जैसे ही सुबह उठते हो बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने मुंह की लार को अपनी उंगली में लो और इसे अपनी आंखों की कोर में काजल की तरह लगाओ। यह एक बहुत ही सरल और रामबाण इलाज है आंखों की सभी समस्याओं का। असल में हमारी लार में वो सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। तो जब हम सुबह की लार को आंखों में लगाते हैं तो हमारी आंखों को वो सभी पोषक तत्व मिलने लगते हैं जो इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। आंखों को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने के लिए आयुर्वेद का दूसरा नियम है, अपने मुंह में पानी भरकर आंखों में छींटे मारना। तुम रोज सुबह जब अपनी आंखें धोते हो तो उसे ऐसे ही मत धो, बल्कि सबसे पहले अपने मुंह में पानी भरो और अपनी दोनों आंखों में कम से कम 20-20 छींटे मारो। छींटे इतने तेज भी नहीं होने चाहिए कि आंखें लाल हो जाएं और दर्द देना शुरू कर दें, बल्कि हमें इतने तेज छींटे मारने हैं कि पानी आंखों के अंदर तक चला जाए। काफ़ी देर तक आंखों में छींटे मारने से आंखों के अंदर की छोटी से छोटी गंदगी भी पानी के साथ बहकर निकल जाती है और आंखें साफ रहती हैं। और मुंह में पानी भरने के पीछे का कारण यह है कि जब हम आंखों में छींटे मारें तो आंखों का कचरा मुंह या कान के रास्ते से ना जाकर सीधे आंखों से ही पानी के साथ बाहर निकल जाए। हमारे आंखों की कई बीमारियां सिर्फ आंखों में धूल मिट्टी या कचरा होने की वजह से ही पैदा होती हैं। तो जब हमारी आंखें साफ होंगी तो हम उन सभी बीमारियों से बच जाएंगे। आयुर्वेद में आंखों को स्वस्थ रखने का तीसरा नियम है, सूर्यदेव को देखना। तुम्हें हर दिन लगभग 5 मिनट के लिए सूर्यदेव को देखना है, लेकिन दोपहर या तेज धूप में नहीं, सिर्फ सूर्य उगने के पहले 1 घंटे के अंदर अंदर या फिर सूर्य अस्त होने के 1 घंटे के अंदर। सबसे अच्छा तो यही होगा कि तुम सूर्य उदय या सूर्य अस्त के समय सूर्यदेव के दर्शन करो और अगर जरूरत महसूस हो तो पलके भी झपका सकते हो। शुरू में 1 मिनट से शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक ले जाओ। सूर्य दर्शन के समय सूर्य की किरणें हमारी आंखों में अवशोषित हो रही होती हैं और हमारी आंखों को ठीक कर रही होती हैं। अंत में अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी आंखों के ऊपर रख लो। ध्यान रहे, आंखों को दबाना नहीं है, सिर्फ हथेलियों से आंखों को ढकना है। इससे आंखों को आराम मिलता है। चक्षु उपनिषद में तो सूर्यदेव को आंखों का वैद्य कहा गया है। रोशनी बढ़ाने और आंखों को स्वस्थ रखने का चौथा तरीका है आंखों का व्यायाम। इन्हें तुम कभी भी और कहीं पर भी कर सकते हो, लेकिन सुबह या सोने से पहले करने से ज़्यादा फायदा मिलता है। सबसे पहले अपनी आंखों को 10 बार ऊपर नीचे करो, 10 बार ऊपर और 10 बार नीचे। जितना हो सके उतना ऊपर और नीचे ले जाओ। ध्यान रहे, आंखों के साथ सिर नहीं घूमना चाहिए, सिर स्थिर ही रहना चाहिए, सिर्फ आंखें घूमनी चाहिए। आंखों को ऊपर नीचे करने के बाद 10 बार दाईं ओर और 10 बार बाईं ओर ले जाओ। इसके बाद आंखों को 10 बार ऊपरी कोने की ओर और 10 बार विपरीत निचले कोने की ओर ले जाओ। इसके बाद आंखों को गोल गोल घुमाते हुए एक वृत्ताकार आकृति बनाने का प्रयास करो। आंखों को 10 बार दाहिनी ओर गोल गोल घुमाओ और 10 बार बाईं ओर गोल गोल घुमाओ। फिर सबसे जरूरी व्यायाम, अपने हाथ के अंगूठे को अपनी नाक के पास दोनों आंखों के बीच में रखो और अपने नाखून के ऊपरी हिस्से को देखो। फिर धीरे धीरे बिना ध्यान हटाए अपने अंगूठे को दूर ले जाओ। इस दौरान अपना पूरा ध्यान अंगूठे के नाखून पर ही रखो। जैसे ही अंगूठा दूर चला जाए तब सारा ध्यान अंगूठे से हटाकर उसके पीछे वाली चीज पर ले जाओ।
वापस अंगूठे के नाखून पर ध्यान केंद्रित करो और उसे धीरे धीरे अपनी नाक के पास लाओ। इस प्रक्रिया को तुम्हें 10 बार दोहराना है और फिर इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर उनसे अपनी दोनों आँखों को ढक लो और आँखों को आराम दो। हमारे आँखों के आसपास बहुत सी मांसपेशियाँ होती हैं जो हमारी आँखों को चलाती हैं और उसे नियंत्रित करती हैं। बिना व्यायाम के ये मांसपेशियाँ कमज़ोर पड़ने लगती हैं, लेकिन इस तरह के व्यायाम करने से तुम्हारे आँखों की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं और वो अपनी खोई हुई ताकत दोबारा हासिल कर लेती हैं। 5वां तरीका, शरीर साफ तो बीमारियाँ साफ। आयुर्वेद कहता है अगर हमारा शरीर अंदर से साफ है तो हमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। अगर हमारी आंतें साफ हैं, उसमें पुराना गंदा भोजन जमा नहीं हो रखा, हमारा पेट सुबह एक बार में साफ हो जाता है, हमें कब्ज की समस्या नहीं है, तो हमारा हर एक अंग स्वस्थ रहेगा, आँखें भी। अपने शरीर को अंदर से साफ रखने के लिए तुम्हें रोज 16 घंटे उपवास या हफ्ते में एक दिन 24 घंटे उपवास रखने के नियम का पालन करना होगा। दोस्तों, अगर आप भी अपने शरीर को अंदर से साफ रखकर उसे स्वस्थ बनाए रखने के विषय में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप कुक एफएम पर ये वाली ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं जिसका नाम है डिटॉक्स एंड हील योर हेल्थ। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे कि कैसे हम अपनी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स कर सकते हैं, उसे साफ कर सकते हैं और बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और आज की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट, कुक एफएम पहली बार लेकर आया है फैमिली प्लान, जिसमें आपके फैमिली के 4 मेंबर्स को इसके फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन पड़ेगा 199 रुपीज़ का, लेकिन इसमें भी आपको मिलेगा 55% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट अगर आप यूज़ करते हैं हमारा कूपन कोड WIF55। यानी आपकी फैमिली के 4 मेंबर्स को इसका सब्सक्रिप्शन पड़ेगा 199 रुपीज़ की बजाय सिर्फ 89 रुपीज़ का, यानी 25 रुपीज़ से भी कम की कॉस्ट पर हर एक फैमिली मेंबर को मिलेगा कुकू एफएम के 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो सोर्स के एक्सेस। लेकिन यह कूपन कोड सिर्फ फैमिली प्लान पर ही वैलिड है। इस प्लान का फ़ायदा उठाने के लिए किसी एक फैमिली मेंबर को अपने मोबाइल नंबर से कुकू एफएम पर रजिस्टर करके सब्सक्रिप्शन बाय करना होगा, फिर बाकी के 3 मेंबर उसी मोबाइल नंबर का यूज़ करके कुकू एफएम पर लॉगिन करेंगे। इससे सस्ता और क्या हो सकता है, सिर्फ 89 रुपीज़ में 4 सब्सक्रिप्शंस। इसीलिए इस स्पेशल ऑफर का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। ऐप को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। आइए कहानी पर वापस लौटते हैं। आयुर्वेद के अनुसार आँखों की रोशनी बढ़ाने का 6ठा तरीका है त्रिफला के जल से आँखों को धोना। त्रिफला एक बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है। महर्षि बागभट्ट जी ने त्रिफला को इंसानी शरीर के लिए अमृत तुल्य बताया है। त्रिफला, जैसा कि इसका नाम है, यह 3 फलों से मिलकर बनता है, पहला आंवला, दूसरा बहेड़ा और तीसरा हरड़। त्रिफला बनाते समय इन तीनों की मात्रा का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। त्रिफला बनाने के लिए हरड़, बहेड़ा और आंवला का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में होना चाहिए, यानी आंवला 3 गुना, बहेड़ा 2 गुना और हरड़ 1 गुना। इन तीनों को सुखाकर इनके बीज निकालकर पीस के अच्छे से मिला लेना चाहिए। इस तरीके से त्रिफला चूर्ण तैयार हो जाता है। किसी मिट्टी के बर्तन में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण 2 गिलास पानी में रात्रि में भिगो दो और सुबह उसे छानकर उसके पानी से आँखों को धो। ऐसा करने से बहुत तेजी से आँखों की सभी समस्याओं में आराम मिलता है और आँखों की रोशनी बहुत तेजी से बढ़ती है। त्रिफला ना सिर्फ आँखों के लिए बल्कि हमारे शरीर के लिए भी बेहद फायदेमंद है, क्योंकि यह वात, पित्त और कफ तीनों का नाश करता है। त्रिफला लेने के 2 नियम हैं, 1 रात को और 1 सुबह। अगर सुबह त्रिफला खाओ तो गुड़ के साथ या फिर शहद के साथ, अगर त्रिफला रात में खाओ तो दूध के साथ या फिर गर्म पानी के साथ। रात में दूध या गर्म पानी के साथ जो त्रिफला खाया जाता है वह हमारे शरीर की सफाई का काम करता है, बड़ी आंत की सफाई करता है, गंदगी बाहर निकालता है। और सुबह जो गुड़ या शहद के साथ त्रिफला खाया जाता है वह पोषक का काम करता है, यानी शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है। इसीलिए जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिन्हें कब्ज या पेट से जुड़ी कोई समस्या नहीं है, वो त्रिफला को दिन में खाएं, और जिन्हें पेट की सफाई करनी है, कब्ज की समस्या है, वो त्रिफला रात में खाएं। आयुर्वेद और योग शास्त्र के अनुसार आँखों की रोशनी बढ़ाने का 7वां नियम है त्राटक क्रिया योग। त्राटक क्रिया एक यौगिक साधना है जो हमारी आँखें और मन दोनों को तेज बनाती है। त्राटक क्रिया योग करने के लिए एक अंधेरे कमरे में दीपक या मोमबत्ती जलाओ, फिर उसे इतनी ऊंचाई पर रखो कि जब तुम बैठो तो वो तुम्हारी आँखों के एकदम सामने हो, ना ऊपर ना नीचे। अब तुम्हें पीठ सीधी करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है और अपनी दृष्टि को दीपक या मोमबत्ती की ज्वाला यानी ज्योति पर केंद्रित करना है और टकटकी लगाकर दीपक की ज्योति को देखना है। इस बीच तुम पलके झपकाना चाहो तो झपका सकते हो, लेकिन इसमें कोशिश करो कि जितनी देर तक बिना झपकाए रह सकते हो उतनी देर तक बिना झपकाए रहो। थोड़ी देर में तुम देखोगे कि तुम्हारी आँखों से आंसू बहने लगेंगे, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं,
क्योंकि यह क्रिया हमारे आंसुओं के द्वारा हमारे आंखों की सफाई कर रही है। त्राटक क्रिया के बीच आंसुओं को पोंछने की कोशिश मत करो और बिना किसी रुकावट के इन्हें बहने दो, और ना ही इस दौरान अपने हाथों से अपनी आंखों को छुओ। जब यह क्रिया पूरी हो जाए तो अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर आहिस्ता से दोनों आंखों को ढक लो। यह क्रिया रोज रात को सोने से पहले कुछ मिनट के लिए करो और तुम देखोगे कि तुम्हारे आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। त्राटक क्रिया ना केवल आंखों की रोशनी को बढ़ाती है बल्कि यह हमारी एकाग्रता को भी बढ़ाती है। आंखों की रोशनी बढ़ाने का आठवां तरीका है किसी भी ठंडी सब्जी जैसे लौकी, खीरा, सफ़ेद पेठा या आलू के छोटे छोटे टुकड़ों को कुछ मिनट तक अपनी आंखों के ऊपर रखना। एक खीरे या लौकी को घिसकर अपनी आंखों के ऊपर रखो। जब हम खीरे या लौकी के छोटे छोटे घिसे हुए टुकड़ों को अपनी आंखों के ऊपर रखते हैं तो हमारी आंखों के आसपास का क्षेत्र ठंडा हो जाता है और सिर के बाकी का हिस्सा गर्म रहता है, जिससे आंखों और सिर के बीच तापमान में अंतर आ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा रक्त आंखों की ओर आने का प्रयास करता है, और जिस जगह पर रक्त का प्रवाह ज़्यादा होता है वहाँ का इलाज खुद ब खुद शुरू हो जाता है। इस क्रिया को हर दिन लगभग 15 से 20 मिनट रोज करो, क्योंकि यह हमारी आंखों की रोशनी को तो बढ़ाता ही है, साथ ही यह हमें ताजगी भी देता है। आयुर्वेद के अनुसार आंखों की रोशनी बढ़ाने का नौवां तरीका है ऐसे योगासन या व्यायाम करना जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रक्त का प्रवाह आँखों और सिर की तरफ हो। संक्षिप्त में कहें तो नीचे झुकने वाले व्यायाम या आसन, जैसे झुककर अपने हाथों से अपने पैर के अंगूठे को छूना, शीर्षासन, भस्त्रिका प्राणायाम इत्यादि। ऐसे अभ्यास करने से रक्त की ज़्यादा मात्रा आँखों की तरफ पहुँचती है और आँखें स्वस्थ बनी रहती हैं। इतना कहने के बाद ऋषि ने व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहा, तो ये थे वो 9 नियम जिनका अगर तुम पालन करते हो तो सिर्फ कुछ ही हफ्तों या महीनों में तुम्हारी आँखें फिर से पहले की तरह स्वस्थ और दृष्टियुक्त हो जाएंगी, और अगर तुम इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो तो कभी भी तुम्हें आंखों की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। उस व्यक्ति ने इस जानकारी के लिए ऋषि का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, आज के समय में आंखों को स्वस्थ रखने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है अपने स्क्रीन टाइम को कम करना। ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही अपने फ़ोन के मैसेज चेक करते हैं और फिर पूरे दिन यहाँ तक कि देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन में चिपके रहते हैं। बहुत सी स्टडीज़ ने प्रूफ किया है कि मोबाइल, लैपटॉप, टीवी इत्यादि की स्क्रीन से निकलने वाली लाइट्स हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए आप एक ऐसा रूटीन बनाएं जिसमें आप रात में 8 या 9 बजे के बाद स्क्रीन नहीं देखेंगे, फिर चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो या फिर टीवी। ऐसा करने से आपकी आंखों को तो आराम मिलेगा ही, साथ ही आपको गहरी नींद भी आएगी और आप अगले दिन तरोताज़ा महसूस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय तक लैपटॉप या मोबाइल में काम करना ही पड़ता है तो हर आधे घंटे के बाद कुछ मिनट का ब्रेक लो और आंखें बंद कर लो, या फिर कुछ सेकंड तक पलकों को झपकाओ। इसके अलावा आप अपने खाने में विटामिन ए और विटामिन सी वाले पदार्थ शामिल कर सकते हैं, जैसे गाजर, चुकंदर, आंवला इत्यादि। ये भी हमारी आंखों को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और कुकू एफएम को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर दी गई है। 199 रुपीज़ का फैमिली प्लान सिर्फ 89 रुपीज़ में बाय करने के लिए आप WIF 55 कूपन कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।